हाय वीवर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जायका इंडिया का। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि आप केक की रेसिपी अपलोड करें, इसलिए आज हम बनाने वाले हैं एगलेस चॉकलेट केक, वो भी बिना ओवन के। तो चलिए शुरू करते हैं। चॉकलेट केक बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है आधा कप फुल क्रीम दूध, 2 टेबलस्पून डार्क चॉकलेट, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 200 ग्राम ओरियो चोको क्रीम बिस्किट। हमने जो बिस्किट लिए हैं इन्हें मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब देख सकते हैं कि हमने बिस्किट को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे और ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर और इन्हें 30 सेकेंड के लिए एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा केक का बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे बोल में या छोटी कटोरियों में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बैटर को ट्रांसफ़र करने के लिए हमने इस तरह के 2 छोटे बोल ले लिए हैं। सबसे पहले हम इन्हें अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप इसके जगह पर छोटी कटोरियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बोल को अच्छे से ग्रीस करने के बाद हमने इसमें बैटर को ट्रांसफ़र कर दिया है। हमने 2 टेबलस्पून जो डार्क चॉकलेट ली थी उसमें से 1/1 टेबलस्पून डार्क चॉकलेट हम बोल के सेंटर में रख देंगे। वो चॉकलेट को हम बैटर से अच्छी तरह कवर कर देंगे। बैटर को ट्रांसफ़र करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमें बैटर से बोल को पूरी तरह नहीं भरना, हम ऊपर का थोड़ा हिस्सा खाली रखेंगे। केक को बेक करने के लिए हमने कढ़ाई ली है। इसकी जगह आप हेवी बॉटम पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सेंटर में हमें किसी कटोरी या फिर स्टैंड रख देंगे और इसे ढक कर 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। हमने इसे 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। अब हम इसमें एक छन्नी रख देंगे। वो छन्नी पर हमारे बोल रखेंगे जिनमें हमने बैटर ट्रांसफ़र किया है और इसे ढक कर केक को लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। ये देखिए, केक को बेक होते हुए 20 मिनट हो चुकी है। इसे चेक करने के लिए हम इसकी साइड में पॉइंटेड स्टिक डालेंगे। स्टिक को हमें केक के सेंटर में नहीं डालना क्योंकि वहाँ पर हमने चॉकलेट रखी है। ये बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। केक को कुछ देर ठंडा करने के बाद इसे केयरफुली इस तरह से प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो लीजिए, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारा एगलेस चॉकलेट केक, वो भी सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से बना हुआ। आप देख सकते हैं कि हमारा केक कितना चॉकलेटी बना है। सेम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके हमने इस केक को केक मोल्ड में भी बनाया है। तो केक बनाने का ये तरीका आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।